हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल वेज नॉनवेज में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सेमी आलू की सब्जी। यह सेमी को हमने दो दो पीस में काट लिए हैं और आलू को भी काट के पानी में भिगा दिए हैं ताकि कालापन मत आए। देखिए नीचे आलू है और इस दोनों को थोड़ा गर्म पानी में धो लेंगे और या तो फिर इसी को गर्म कर लेंगे। इसको चढ़ा देते हैं गर्म करने के लिए। अब हम इंडक्शन में रख देते हैं, आप इंडक्शन चालू कर देते हैं और इसे कम से कम थोड़ा सा गुनगुना होने देंगे ताकि इसमें थोड़ा नमी आ जाए। नमी आने के बाद सब्जी बनाने में एक अलग स्वाद रहता है। आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं बिना उबाले, लेकिन हम उबाल के बना रहे हैं इसको। हमारा चूल्हा रेडी हो चुका है, अब इसमें रख देते हैं हमारा कढ़ाई और गर्म होने देते हैं हमारे कढ़ाई को। आज हमारा तड़का हम तिल और राई से देंगे। यह है तो छत्तीसगढ़ फोरन बोलते हैं। देखिए हमारा सेमी उबल चुका है, सेमी आलू। अब इसे निकाल लेते हैं हम एक बर्तन पे। इस सेमी का नाम है हमारा बटराली सेमी, छत्तीसगढ़ में इसको बटराली सेमी बोलते हैं। और भी कई प्रकार के सेमी आते हैं। देखिए निकल चुका है हमारा सेमी। अब इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल 2 चम्मच। अब हमारा फोरन डाल देते हैं तिली और राई का। पहले राई डालते हैं, तिली डाल देते हैं, आलू और तिली। अब अच्छे तरीके से सेमी आलू को भून देंगे लाल जो होते तक। तब तक हमारा 5 से 6 टमाटर हम काट लेते हैं। तब तक हमारा सेमी आलू भुना रहा है। हमारा डाल देते हैं 2 हरा मिर्च डाल देते हैं बीच में। पहले इसलिए नहीं डाले क्योंकि पूरा पिघल जाता है, बीच में डालना चाहिए और अच्छे से भून जाती है साथ में, तब स्वाद आएगा। मिर्ची का, हमारा मिर्ची काफी अच्छे तरीके से तला गया है। अब इसमें डाल देते हैं हमारा 5 से 6 टमाटर कटा हुआ। चम्मच चला लेते हैं, टमाटर को जलने देंगे, थोड़ा ढक्कन लगा देते हैं। अच्छे तरीके से चम्मच चला लेंगे हमारे टमाटर में। टमाटर काफी अच्छे तरीके से हमारा गल रहा है। हमारा टमाटर काफी अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हमारा डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसको इसी तरह ढक्कन लगा देंगे ताकि वो अच्छे से पिघल जाए टमाटर हमारा। और काफी अच्छे तरीके से देखा हमारा टमाटर गल गया है। अब इसमें हमारा मिर्ची पाउडर डाल देंगे 2 चम्मच। अब हमारा पालक पत्ती डाल देंगे जिसको काट के रखे थे हम। अब इसमें डाल देंगे हमारा मेथी पत्ती, अब धनिया पत्ती और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और हल्का सा पानी भी ले लेंगे ताकि चिपके मत। देखिए हमारा सब्जी अभी से कितना अच्छा लग रहा है, हाँ काफी प्यारा लग रहा है हमारा सब्जी। अभी तो बुझा लेंगे हम, इसमें हल्का सा पानी डाल देते ताकि चिपके मत। और इसमें हम डाल देते हैं हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 1-1 चम्मच दोनों को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काफी अच्छा दिख रहा है हमारा सब्जी अभी से। देखिए बीच बीच में चम्मच चलाते रहे ताकि चिपके मत। अब इसमें हमारा 1/2 गिलास पानी डाल देंगे और अच्छे से पकने देंगे इसको। आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको तरी चाहिए, रसा चाहिए। इसको 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छे से पकने दें। जब तक हमारा आलू और सेमी अच्छे तरीके से पकना चाहिए, उबाल दिए थे फिर भी अच्छे से पकने दे, जितना उसका मसाला है सब उसके अंदर चले जाए।
हमारा धनिया डाल देते हैं इसमें। अब हमारा सब्जी रेडी हो चुका है। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। आप इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं।